12 दिन के बाद महायुद्ध की तस्वीर बदल गई है। आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से युद्ध का सीन पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तो अजरबैजान भी अब नई व्यूह रचना के साथ युद्ध की भूमि में आ चुका है। जंग से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। आर्मेनिया अजरबैजान जंग का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। काराबाख में आर्मेनिया के अटैक में अजरबैजान का कैंप पलभर में खाक में मिल गया। 12 दिनों से जारी भीषण युद्ध में अजरबैजान के कई सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उसका दावा है कि हमला करके अजरबैजान की हिमाकत को उसने तोड़ दिया है। इस हमले में दर्जनों सैनिक को भी मार गिराने का दावा किया गया है। जंग के मैदान में अजरबैजान ने भी आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। भागते समय आर्मेनियाई सैनिकों ने युद्ध के मैदान में कई टैंक और हथियार छोड़ दिए, जिसे अजरबैजान ने जब्त कर लिया है। आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टॉर्च का यू से अजरबैजान के ठिकानों पर हमला बोला। इस मिसाइल हमले में अजरबैजान के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में अजरबैजान के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा आर्मेनिया ने किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का आज 12वां दिन है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बम बारूद की बारिश कर रही हैं। जंग में सैनिकों के साथ आम नागरिकों की भी जान जा रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर कहा कि जंग में उनके 320 सैनिकों की जान गई है। आर्मेनिया ने लड़ाई में अजरबैजान के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया है। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी फौज ने अजरबैजान की सेना की 3 ब्रिगेड को तबाह कर दिया। आर्मेनिया का दावा है कि इस लड़ाई में हथियारों के साथ ही अजरबैजान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान के सैनिक जबरियाल में घुसने की फिराक में थे। आर्मेनिया का दावा है कि उसने हवाई हमला कर अजरबैजान के सैनिकों को रोक दिया। इस दौरान अजरबैजान के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया गया। अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट को लगातार निशाना बना रही है। अजरबैजान के हमले के डर से स्टेपनकर्ट शहर पूरी तरह खाली हो गया है। यहां हमलों से बचने के लिए लोग बंकर में रह रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग में स्टेपनकर्ट में रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान में आर्मेनिया की तरफ से BTC तेल पाइपलाइन के पास क्लस्टर रॉकेट दागे गए, लेकिन कई रॉकेट फेल हो गए, जिससे भारी नुकसान टल गया। विशेषज्ञों की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।